क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मेंट बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, उनको एग्जांपल के साथ बताना है। तो एक्सोथर्मिक मतलब EXOTHERMIC, अब मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूं लेकिन ये है एक ही वर्ड, और ये एंडो और थर्मिक। थर्मिक मतलब हीट, थर्मल, थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब आउट और एंडो मतलब इन। ठीक, तो वो रिएक्शंस जिसमें हीट निकलती है, दोज रिएक्शंस विच गिव आउट हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, विच gives out heat are called exothermic or what exothermic reactions। एंडो मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया और हमारा बन गया CO2 प्लस, हमको मिला बहुत सारा हीट जो कि एटमॉस्फेयर में चली गई। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। अभी एंडो की बात नहीं हो रही, एक्सो की बात हो रही, एंडो की बात नीचे होगी यहां पे। सेम चीज है, रिएक्शंस विच गिव्स आउट की जगह आ जाएगा आपका टेक इन, गिव आउट की जगह टेक इन आ जाएगा, और कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन जिनमें हीट ली जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है आपका CaCO3 को हमने थोड़ा सा हीट किया और ये बन गया आपका CaO+CO2, ये रिलीज हो गया। इस रिएक्शन को कराने के लिए हमको इसे हीट करना पड़ता है, मतलब कि हमको रिएक्टेंट्स लेंगे और उनके नीचे बंसन बर्नर लगना पड़ेगा या कोई फ्लेम लगानी पड़ेगी ताकि वो गर्म हो सके। तो वो रिएक्शन जिनमें हीट दी जाती है, रिएक्टेंट्स को हीट दी जाती है, हमेशा रिएक्टेंट्स को दी जाती है, प्रोडक्ट्स को नहीं। तो ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स को जिन रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स को हीट दी जाती है उनको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक, यानी कि एंडो हीट दी गई तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक, समझ में आ गई डेफिनेशन, मैंने लिख दी एक्सो की यहाँ पे, एंडोथर्मिक में गिव्स आउट की जगह टेक्स इन आ जाएगा, बस वो एंडोथर्मिक डेफिनेशन हो जाएगी। तो क्वेश्चन 9 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज रेस्पिरेशन कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सप्लेन करना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसको एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं, किसी भी प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कब कहेंगे, जब गिव्स आउट हीट होगा। हीट एनर्जी बाहर निकालेगा तभी तो उसको एक्सो बोलेंगे ना, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में भी हीट एनर्जी बाहर निकलती है इसलिए उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या दूं, मतलब इसका मैं रिएक्शन बता देता हूं। जो मेन रिएक्शन होता है वो क्या होता है रेस्पिरेशन में, C6H12O6 हमारी बॉडी में होता है, इसमें हम O2 से रिएक्शन कराते हैं और बनता है हमारा CO2+H2O, इधर भी 6, इधर भी 6 और इधर भी 6, बैलेंस्ड है, कार्बन 6 है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 इधर है और 12 इधर है, ऑक्सीजन 12 इधर है और 6 इधर है, बैलेंस्ड है। ठीक, और यहाँ पे निकलती बहुत सारी हीट हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती, तो ये एक मेन रिएक्शन होता है, दिस इज द मेन रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज द मेन रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, और ये है क्या एक्सोथर्मिक है, बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक सो द रेस्पिरेशन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन 10 भी हो गया। क्वेश्चन 11, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन है, डिकम्पोजिशन को कॉम्बिनेशन का उल्टा क्यों बोलते हैं, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर तीसरा कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन में हमेशा दो या दो से ज्यादा
टू और मोर, है ना, ऐसे करके कॉम्बिनेशन ऐसे होता है बेसिकली, दो ऐसे करके कंबाइन करके तीसरा बना देंगे, वन टू थ्री। डिकम्पोजिशन क्या होगा, एक होगा उसके दो हो जाएंगे ऐसे, तो ये वन था इसमें से टू और थ्री निकल गए। तो डिकम्पोजिशन हमेशा ऐसे रिएक्शन होता है, ये रिएक्टेंट्स होते हैं हमारे, ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इधर कॉम्बिनेशन में ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट। देखो कॉम्बिनेशन में एक दो रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट निकला एक, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट था प्रोडक्ट निकले दो, दिस इज डिकम्पोजिशन, दिस इज कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का उल्टा है डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, और डिकम्पोजिशन में एक एलिमेंट, एक कंपाउंड ब्रेक होता है दो से, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है कंपाउंड में। तो यहाँ कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर ऑपोजिट। ठीक है, इजी है। एग्जाम्पल्स दो यार, एग्जाम्पल्स तो बहुत आसान है, भी तो दिए थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है आपका सिंपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का एग्जाम्पल है CaCO3 को हमने किया हीट और ये बन गया CaO+CO2, दिस इज डिकम्पोजिशन, दिस इज कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दोनों दे दिए, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा क्वेश्चन है, आपके बुक में इसका आंसर क्लियर क्लियर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट और क्या था, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी। हमको तीन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लिखने हैं, जिसमें कि एक रिएक्शन में हीट एनर्जी सप्लाई की गई हो, दूसरे में लाइट और तीसरे में इलेक्ट्रिसिटी। तीनों बहुत आसान है, आपकी बुक में तीनों के एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। हीट वाला एग्जाम्पल मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, ये CaCO3 हमने प्रोवाइड करी हीट, एरो टेढ़ा क्यों है भाई, एरो सीधा होना चाहिए, CaCO3 हीट प्रोवाइड करी और ये बन गया आपका CaO+CO2। ठीक, हीट वाला हो गया। लाइट वाला कौन सा, AgCl, AgCl हमने लाइट नॉन लाइट, और ये बन जाएगा Ag+Cl2, बैलेंस नहीं है, ये टू करना पड़ेगा, ये टू हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी वाला भी दिया हुआ है, H2O इलेक्ट्रिसिटी क्या बनेगा, H2+O2, ये से करना पड़ेगा, टू इसे करना पड़ेगा, ये हो गया बैलेंस। तो तीनों का एक एक रिएक्शन दे दिया मैंने आपको, ठीक है। इस रिएक्शन में हीट दे दी जा रही है और ये डिकम्पोज हो रहा है, इस रिएक्शन में सनलाइट चाहिए और ये डिकम्पोज हो रहा है, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में बन जा रहा है, एक रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, और इसमें भी एक रिएक्टेंट है मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, इसमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो एक को हीट चाहिए, एक को सनलाइट चाहिए, एक को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये तीन मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, तीनों एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, ये हमको बताना है, और इनके एग्जांपल्स भी, इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन, मतलब एक एक एग्जांपल्स लिखनी पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल है यार, बहुत बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, और इधर लिखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, समझ लेना डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये बना दिया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में पहला पॉइंट, वन आयन इज डिस्प्लेस्ड, इसमें क्या होगा, टू आयन्स आर डिस्प्लेस्ड, आगे आप लिख लेना, टू आयन्स नहीं मैं लिख देता हूं, आर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। अच्छा, इसमें एक आयन डिस्प्लेस होता है, इसमें दो होते हैं, ठीक है। और क्या है इसका एग्जाम्पल, क्या है, Fe+CuSO4 बन दे देगा आपको, FeSO4+Cu, कौन सा आयन डिस्प्लेस होगा, SO4, SO4 अभी Cu के साथ था और अब पहुंच गया Fe के साथ, एक आयन डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल क्या है, बी ए
एल टू प्लस एल टू एस ओ फोर होल थ्राइस गिव्स बी ए एस ओ फोर प्लस एल सी एल थ्री। हाँ तो इधर टू करना पड़ेगा, थ्री टू द सिक्स, इधर थ्री करना पड़ेगा, इधर भी थ्री करना पड़ेगा, और आपका बैलेंस हो चुका है। एल्युमिनियम टू क्लोरीन सिक्स एस ओ फोर थ्री बी ए थ्री एस ओ फोर थ्री आपका बैलेंस है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है क्यों? क्योंकि देखो गौर से, क्लोरीन डिस्प्लेस होके यहाँ पे रिएक्टेंट्स में बेरियम के साथ है, यहाँ पे एल्युमिनियम के साथ चला जा रहा है क्लोरीन, और बेरियम जो है वो सल्फर एस ओ फोर के साथ चला जा रहा है। तो यहाँ इस एल टू एसओ फोर में से एल टू डिस्प्लेस हो गया, बी एस सी एल टू में से बी ए डिस्प्लेस हो गया, दोनों ने एक दूसरे के घर पे कब्जा कर लिया है ना। रिएक्टेंट्स में जो जिसके साथ था प्रोडक्ट में, वो अपना अदला बदली हो चुकी है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो चुका है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो मैंने आपको डेफिनेशन दे दी सिंपल, वन आयन इज डिस्प्लेस सिंगल डिस्प्लेसमेंट, टू आयन आर डिस्प्लेस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका ये रहा, एग्जाम्पल इसका ये रहा, ऐसे करके एरो बना दिया, तो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ गई है। ठीक चलो, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व द डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो सिल्वर की जब रिकवरी करी जाती है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, तो सिल्वर नाइट्रेट है तो क्या होगा, AgNO3 इसकी रिकवरी कर रही है हमको, तो यानी कि हमें प्रोडक्ट में एजी निकलेगा, तो इसके साथ हमको क्या यूज करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल Cu, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब है कि कॉपर AgNO3 में से NO को बाहर निकाल देता होगा, मतलब सिल्वर को बाहर निकाल देगा, डिस्प्लेस कर देता सिल्वर को अपने ही आयन से, तो कॉपर जो होगा वो NO3 के साथ बॉन्ड बना देगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा, Cu NO3 होल ट्वाइस, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और निकलेगा क्या आपका, एजी सिल्वर बाहर निकल आया। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस एक बार कर लेते हैं। ठीक है, एक एजी निकल रहा है, एक एजी NO3 यहाँ पे, एक है यहाँ पे दो, तो हमको यहाँ पे मजबूरन दो करना पड़ेगा, टू एजी एनओ थ्री प्लस सी यू, ये आपको देगा सी यू एनओ थ्री होल ट्वाइस प्लस एजी। ठीक, टू ए जी इधर है तो टू इधर भी कर देते हैं, ये टू ए जी हो गया, एनओ थ्री दो थे, एनओ थ्री दो हो गए, सी यू एक है, सी यू एक है, परफेक्टली बैलेंस इक्वेशन है। और ये हो रहा है रिएक्शन में, क्या हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ए जी एनओ थ्री के सोल्यूशन से कॉपर ने सिल्वर को यानी ए जी को अलग कर दिया, ए जी अलग चला गया, सी यू ने बॉन्ड बना लिया अपना एनओ थ्री के साथ। ठीक, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो रिएक्शन इन्वॉल्व लिखना था, रिएक्शन इन्वॉल्व हमने लिख दिया, फिर उसको हमने बैलेंस भी कर दिया।